नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और आज हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर, जहां पे उनकी जो बहू हैं उनके पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ उनको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया और बुरी तरीके से उन पे अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें घर से बाहर फेंक दिया गया, ऐसा कहना है उनके पिताजी का, ऐश्वर्या जी के पिताजी का। और वो अभी आई हुई हैं, शायद वो अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल गई हुई थी, अभी कुछ भी कहने से वो इनकार कर रही हैं और उनकी हेल्थ सही नहीं लग रही क्योंकि वो रो रही हैं और कुछ भी कहने में अभी सक्षम नहीं है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो आगे कार्यवाही करेंगे, FIR करवाएंगे और उन पे जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं, जो लालू परिवार हैं, उन पर वो कार्रवाई करेंगे। जब हम लोगों ने पूछा कि क्या एक पक्ष के तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा है, राबड़ी जी के तरफ से ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, तो उनके पिताजी ने ये जवाब दिया कि तेज प्रताप जी जो हैं वो उन्होंने कुछ पोस्टर के जरिए उनके पिताजी को जलील करने की कोशिश की है, जिसपे उन्होंने ऐश्वर्या जी ने सवाल उठाया कि उनके पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उस पर राबड़ी जी भड़क गई और उन्होंने ऐश्वर्या जी को घर के बाहर फेंकवा दिया, ऐसा कहना है उनके पिताजी का। बेटी के ससुराल के बाहर आज क्या कारण है कि आपको बाहर में आज बैठना पड़ रहा है? आज उनके साथ राबड़ी देवी ने मारपीट करने का काम किया है और हैवानियत दिखाने का काम किया। राबड़ी देवी ने राक्षस बना उन्होंने अपना दिखाया कि छोटी सी बच्ची जो इनके यहाँ शादी जो होकर के आया था, आज उन्होंने सिर्फ यही पूछ दिया कि तेज प्रताप मेरे पिताजी को क्यों जलील करना चाहते हैं। बार बार पोस्टर आज कुछ कहीं अश्लील कहीं पोस्टर उस लगाया है उसने, हम तो देखा नहीं, उसी पर वो इधर गई और जो उल्टा सीधा बोलती हैं लोग, भाई लोग जो बोलता है वही बोल करके इसको मारना शुरू किया। ऐसा ये पहली बार नहीं है कि उनके मारपीट मतलब ऐश्वर्या जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है बहुत कि बार नहीं मीसा भारती जी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, तो क्या कारण हो सकता है ऐसा कि क्या एक पक्ष के द्वारा ही ये गलती किया जा रहा है या फिर? मैंने बताया ना कि आज क्या कारण हुआ है, अभी तक तो बातचीत नहीं हो रही थी बहुत उन लोगों की, मेरा जो पोस्टर वाला मामला है हम लोगों के खिलाफ हल बल कुछ लिखा है कि उनको भी कुछ स्वाभाविक है गुस्सा आना, तो उन्होंने खाली पूछा कि इस तरह में जो करना है मेरे खिलाफ कीजिए, मेरे माता पिता को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बस इतनी सी बात पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। तब ऐश्वर्या जी कहाँ हैं? अभी गई हुई हैं पुलिस, महिला पुलिस के साथ गई। तो आप लोग क्या कुछ एक्शन अभी FIR होगा? अच्छा, क्या कारण हो सकते हैं ऐसा मतभेद जो बार बार होते हैं परिवार में, ऐसा कलह बार बार, कोई तो ऐसा कारण होगा जिस कारण ऐसा हो रहा है, क्या हो सकता है ऐसा मतभेद? कोई क्या बात है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, मामला कोर्ट में है, दोनों लोगों को कहा गया है कि आप लोग संयम से काम लेने का काम करें, तो अब इस तरह का मामला हो जाए कोई बात करेगा तो इसी के लिए हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को क्या अलग करना चाहते हैं लालू परिवार से या फिर क्या आगे क्या? अब तो यहाँ उसने तो जिद बनाया था कि मैं लड़ूंगी कानूनी लड़ाई और यहीं से लड़ूंगी, जो मैट्रिमोनियल होम है मेरा यहीं से लड़ूंगी, मगर मैं अब किसी शर्त पर इन हैवानों के साथ दरिंदगी जो राबड़ी देवी ने दिखाया ऐसे घर में मैं अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा। जी बिल्कुल, यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है हैवानियत, जैसा कि आपने कहा कि उनको ऐसे फेंक दिया गया जैसे कोई वो सामान हो, तो ऐसे में फिर आप आगे अब कहाँ सवाल होता है यहाँ रखने का, जो भी लड़ाई होगी कोर्ट में लड़ाई होगी, तो आगे सामाजिक किस तरह का एक्शन लेंगे आप, तलाक के लिए लड़ेंगे या फिर? अभी तो कोर्ट में ही मामला है, हिंसा की भी लड़ाई, मैंने कहा ना कि FIR होगा, जो इन्होंने किया है उस पर FIR होगा।